किशोर दासर मृत्यु चेन्नईर चिकित्सालय शेष निश्वास त्याग करे अभिनेता गराकिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नील मुकुल। सो वेलकम है आज का फ्रेश वीडियो पे। तो आज का ये वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, कोई ट्रेवल ब्लॉग्स नहीं है। तो आज का ये वीडियो जो है हमारा असम का फेमस एक्टर किशोर दास का देहांत हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो उसने बोला तो वही आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आज कोई डिमांड करने वाला नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन ये डिमांड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ध्यान का पहले उसने जो कुछ बोला था वो क्लिप मेरा पास है, तो वो क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। इसलिए आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोगों का फ्रेंड के साथ, आप लोगों का रिलेटिव्स के साथ। नमस्कार, मैं किशोर दास। मैं जीतु असुस्थ सकोवे गम पाए अहमबाखी राइजे, मैं जे आरो एगार मोर ट्रीटमेंट चली आसे बम्बेत आरो सिनेमाखनर प्रमोशनत मैं अलग निजे थे निजक सचाक सूखी हलोहन आपनकर डायरेक्टली एट हलोए पाले भल लगिले। कि आज मैं विशेष असुविधार कारण आपको मजदूर आज ना कि एक ना आपे सिनेमाखन चाह कारण ये मोर असुस्थ हर शेष छवि मैं लास्ट सिनेमा कर सिनेमाखनर बहुत खी मोमेन्ट मोर ए मन आज बहुत भल लगे कारण सिनेमाखन जेति आमी करिसिलो माजते लकडाउन दुबार पालो आमी। हे लकडाउनत माने एनुवा किसिम परिस्थिति होइसे मोर कापुर सपोर कन्टिन्युटिर कारणे बहुत माने प्रब्लेम पाइसिलो। किन्तु कारण खरत माने लकडाउन समय कोत कापुर कोत कुइसे केति कारणे नाय। इवेन मय निजके बडी मेन्टेन करार कारणे सेम लुक्स राखार कारणे बहुत मेन्टेन करिसिलो। डायरेक्टर समीदाक मय बहुत बार कइसिलो जे कि होबो मय हकल होइ गेल दिगदार होबो तासत मय बहुत मेन्टेन करिलो निजके आको जोग मय। नमस्कार, मय किशोर दास। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মই কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছো আৰু মই যিহেতু চিকিৎসাৰ কাৰণে বম্বেত আছিলোঁ, মাজতে গুৱাহাটী গৈছিলোঁ যদিও আকৌ মই বিশেষ কাৰণত বম্বেত আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে মই বম্বেতে এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। আৰু এতিয়ালৈ মই যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম কৰিছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু সেইটোলৈ মই আজি চাগে মই মোৰ মনোবলটো আজিলৈ বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ পোৱাৰ কাৰণে, সাহস পাইছোঁ আপোনালোকৰ বহুতখিনি। আৰু এইখিনিলৈ মই মোৰ নিজৰ এই ৰোগটোক মই পৰাস্ত কৰিবলৈ মই হেৰি কৰি আছোঁ কিমান পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ উইল পাৱাৰটো থাকিলে মোৰ বেমাৰটো মোক হাৰাব নোৱাৰিব। গতিকে মই আপোনালোকৰ যিখিনি মৰম পাইছোঁ, আশীৰ্বাদ পাইছোঁ সকলোৰে কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই এই বেমাৰটো হোৱাৰ আগতে মই এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ, মই মানে যিখন শেষ চিনেমা লাষ্ট কৰিছিলোঁ এই চিনেমাখনৰ নাম হৈছে দাদা তুমি দুষ্টবৰ। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত আহি আছে আৰু এই চিনেমাখন হৈছে বহুত বেছি হাস্যমধুৰ আৰু ৰোমেণ্টিকৰ, বহুত ভাল পাব আপোনালোকে মোৰ বিশ্বাস, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইখন চিনেমা চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব আৰু পেচা গৈছিল বুলি ক'ব লাগিব চাব।